मृच्छकटिकम नाटक का विषय क्या था? यह नाटक जो है वह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। इसका विषय एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की जो है प्रेम कथा है। इसके जो नायक हैं वह चारुदत्त नामक ब्राह्मण है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, गाड़ी, प्रेम, प्रणय सिक्त व्याख्यान है, जिसमें कि चारुदत्त एवं गणिका पुत्री बसंत सेना के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो है इसके लेखक विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त ने दो नाटकों मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में एक साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो जिस समय सिकंदर हमला किया था उस समय उत्तर भारत पर जो है नंद वंश का शासक था, और नंद वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद था, जो कि युद्ध में हार गया था, लेकिन सिकंदर उसे बहुत प्रभावित हुआ और उसे बिना क्षति पहुंचाए ही आगे बढ़ गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था किसने लाया? भारत में जो है सबसे पहले सैनिक शासन व्यवस्था ग्रीक शासक सिकंदर द्वारा लाया गया। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपा था। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? अरबों ने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार जो है किसी अज्ञात भारतीय ने किया। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु प्राचीन काल के विधि निर्माता थे। मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से कहीं कहीं पर जो ऑप्शन रहता है उसमें कानून भी रहता है, तो इसमें कानून नहीं हो करके समाज व्यवस्था होगा। तो ये था प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।